सभी किसान भाइयों को नमस्कार। आज हम अपने फार्म पर गन्ने की बुआई कर रहे हैं। वैरायटी है COLK 14201। इसके लिए आज हम जैसे अपने यहाँ बुआई में क्या क्या प्रक्रिया अपनाते हैं उसकी पूरी जानकारी देने के लिए, तो उसमें हमने जो अपना गन्ना है COLK 14201, जो हम इसके नीचे की जड़ होती है, नीचे की एक पोरी होती है, ये इसे हम निकाल देते हैं, इसे अलग रखते हैं। इसके ऊपर का ये सारा हिस्सा हम फिर बुआई करते हैं। तो जैसे अभी दिखाएंगे आपको कैसे गन्ना हम काटते हैं अपना। ये गन्ना काट, ये हम ये जैसे नीचे की जो पोरी होगी इसे हटा देते हैं, बाकी इसे हम दो दो आंख का गन्ना कट रहा है। देखो ये दो दो आंख का गन्ना है, दो दो आंख का गन्ना काट रहे हैं। और इसमें हमने इसमें पानी भर रखा है, यहीं पे ये पक्की नाली है हमारी, इसमें हमने दवाई से ट्रीट करने के लिए इसमें दवाई भी डाल रखी है। इसमें जैसे इसमें 200 लीटर पानी है और दो लगभग आइडिया से, और इसमें 200 ग्राम हमने हेक्जास्टॉक डाली है, और जो है इसमें 2 किलो के करीब हमने यूरिया डाला है, और इसे पानी से हमने इसमें 250 लीटर के करीब हमने पानी डाल लिया था ये। और अब इसमें गन्ना काट काट के काट रहे हैं, तुरंत इसमें हम डाल रहे हैं। इसे डालने के बाद में ये हमने कल सुबह से खांदा था, कल सुबह खांदने के बाद में इसे रात भर भीगा रहा। अब हम इसकी आज हम इसकी बुआई करने लग रहे हैं। तो यहाँ पे जैसे इसे नाली से निकाला, हमारे पास में कैरेट है, इसमें कैरेट में हम इसे निकाल कर यही दो दो, देखो सब पूरे गन्ना जितना भी गन्ना है सब दो दो आंख का गन्ना है। जैसे देखो सब दो दो आंख के गन्ने हैं, इन्हें हमने कैरेट में भर लेते हैं। और इसे फिर अब हम अपने खेत में बुआई के लिए पूरी कैरेट को उसकी ट्राली में रख कर, अपनी छोटी ट्राली है जो, उस ट्राली में रख कर इसे हम अपने खेत में ले जाते हैं, जहाँ भी हमें गन्ने की बुआई करनी होती है। अब कुछ कैरेट के अंदर भरा है। अभी हम अपने यहाँ जो 10 एक्सेरिया 20 शुगर फैक्ट्री का अपना फार्म है, आज हम उस पर फिर बुआई शुरू की है। जो हमने गन्ना 20 ट्रीट किया था उसके बारे में आपको जानकारी दी थी, वो ट्रे में भर के हम अपने यहाँ लेकर आए थे अपने फार्म पे, जो हमारी फैक्ट्री का फार्म है। तो इसमें देखो ये जो है दो दो आँख के टुकड़े हैं, और ये अपना सब स्टाफ खड़ा है, ये स्टाफ ही सब लेबर को बताता है कि हाँ कैसे गन्ने की बुआई करते हैं। तो अब हमारा स्टाफ भी खुद बताएगा कि जैसे बो के बताएगा कि कैसे बुआई करते हैं। जैसे हमने अपनी यहाँ बुआई की है, दो आंख के गन्ने का टुकड़ा, सबसे पहले हमने इसमें खाद डाली है। खाद डालने के बाद में हमने इसके जो गन्ने की बुआई की है, ये 4 अंगुल का अंतर इसके गन्ने से गन्ने का रहता है, ये एक टुकड़े का। और इसकी आँखें हम ऊपर नहीं करते, इसकी आँखें हम ऐसे साइड में करते हैं ताकि दोनों आँखें एक साथ दोनों आँखों का जमा हो जाए। ये देखो ऐसे हम गन्ने की बुआई का इसमें गन्ने की बुआई करते हैं। फिर इस पर मिट्टी कैसे डालते हैं, ये देखो इधर बुआई हुई है, ये पूरा प्लाट ऐसे ही हमने इसकी बुआई कर चुके हैं। भैया जैसे अगर हमें मिट्टी डालनी है अपने गन्ने पे, तो जैसे शरदकालीन गन्ने में 2 अंगुल बढ़ा सकते हैं, और बसंतकालीन में जब हम बुआई करते हैं तो कम से कम 4 अंगुल मिट्टी होनी चाहिए इस पर। ये इस तरीके से 4 अंगुल इस पर मिट्टी होनी चाहिए। एक सबसे अच्छी बात एक और होती है कि किसान भाई अपने जब कूड़ बनाते हैं तो वे लंबे कूड़, वो जो आर पार जो कूड़ बनाते हैं हम, तो उसमें ध्यान रखें कि साइड में तिरछे कूड़ ना निकालें, उसमें बिल्कुल सीधे कूड़ रखें। ये देखो गन्ने की दो दो आंखों की बुआई हुई है।
ये अब हमारी सारी सेना है, हमारे डेवलपमेंट के स्टाफ, सभी किसान भाइयों को नमस्कार।